गांधी जी लीड्स द नेशन, माइंड ओपनर, अ पर्सन इज बुलिंग यू, बुलिंग मतलब आपको परेशान कर रहा है, यू वॉन्ट हिम टू स्टॉप, यू कैन ईदर पिक अ फाइट, या तो लड़ाई कर दो विथ हिम एंड ट्राई टू फोर्स हिम टू स्टॉप, इसको इतनी लड़ाई करो और उसको फोर्स कर दो कि वो स्टॉप हो जाए, आपको बुली ना करे, और यू कैन बी काम, आप शांति से बैठे रहो एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द रॉन्ग डूइंग, उसे एक्सप्लेन करो कि तुम क्या गलत कर रहे हो, ऑनेस्ट पार्ट, विच वन डू यू थिंक इज मोर इफेक्टिव, आपको क्या लगता है कि मारना ज़्यादा इफेक्टिव है या उसको बैठा कर उसकी बात समझाना, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इफेक्टिव मतलब काम करेगा, कौन सा काम करेगा। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया इन 1915, गांधी जी इंडिया में 1915 में आए थे, गांधी जी ट्रैवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में गए, ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द पीपल, वो लोगों को जानना चाहते थे, ही वॉज शॉक्ड बाय वॉट ही सॉ, वो शॉक हो गए कुछ चीज़ें देखकर, मोस्ट पीपल वर वेरी पुअर, उन्होंने जब देखा कि कुछ लोग तो बहुत गरीब थे, सोशल ईवल्स लाइक द कास्ट सिस्टम, सोशल मतलब हमारी जो जनसंख्या थी, जो लोग थे वो अलग अलग अजीब सी गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, जैसे कास्ट है, हिंदू का बच्चा है तो अच्छा है, मुसलमान का बच्चा है तो बेकार है, या कहीं मुसलमान का बच्चा है तो वैल्यू देते, तो कास्ट में बहुत फ़र्क था, ये उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको, केप्ट द पीपल डिवाइडेड, और इसलिए हमारा इंडिया हमेशा डिवाइड होके रहा और बहुत बैकवर्ड रहा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिवाइड करके रखते थे। गांधी जी वॉज वेरी सैड टू सी दैट पीपल ऑफ लो कास्ट वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, गांधी जी को बड़ा बुरा लगा, बिकॉज पीपल ऑफ द लो कास्ट, लो मतलब जो बहुत गरीब लोग थे उन्हें अनटचेबल्स माना गया था, अनटचेबल्स मतलब उनको छुओ मत, अगर वो हमारी वेल से पानी भर ले तो हमारी पूरी वैली गंदी हो जाए, वो उस टाइम पर ऐसा मानते थे, उनको कोई हक नहीं दिया जाता था, उनको अछूत माना जाता था, कि अगर इनकी छुई हुई चीज़ को हमने छू लिया तो हम भी इनके जैसे गरीब और अछूत हो जाए, गे जैसे अनटचेबल्स माना जाता था उन्हें, एंड दे वर ट्रीटेड वेरी वेरी बैडली, बहुत बुरा असर करते, बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट करते थे। ही रियलाइज दैट टू यूनिफाई द पीपल, यूनिफाई मतलब अगर मुझे लोगों को एक साथ रखना है, यूनिटी बना कर रखनी है ऑफ इंडिया, तो ये सोशल लेवल्स को रिमूव करना पड़ेगा। अच्छे से लो, ये कैसे ले रहे हो, मनी नहीं है, स्ट्रेट लो, सीधा हो ना, इन ईवल्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो ही स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स द एम, उनका यही एम था और उन्होंने इस एम पे चलना शुरू कर दिया। ही कॉल द अनटचेबल्स हरिजन्स, मीनिंग पीपल ऑफ गॉड, और जो अनटचेबल्स थे उन्होंने नाम दे दिया हरिजन्स, पीपल ऑफ गॉड। He quickly won the support and respect of the common people of India. उन्होंने common people की support, क्योंकि वो उनको इतना प्यार देते थे तो लोग उनको support भी करते थे, उनको respect भी करते थे। The Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh Massacre. You have read that after World War ended. World War जब ख़त्म हुआ तो British became harsher towards Indians. जब उनका वर्ल्ड वॉर, पूरा एक वर्ल्ड में वॉर हुआ था कुछ कंट्रीज़ के बीच में, तो ब्रिटिशर्स का इंडिया की तरफ जो रवैया था वो और भी गंदा हो गया, और भी हार्श हो गया। दे इम्पोज फ्रेश टैक्सेस, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे काफ़ी हद तक, बहुत पैसा लगता है जब कोई वॉर होता है, तो उन्होंने इंडिया पर और टैक्सेस लागू कर दिए और नए लॉज पास कर दिए ताकि वो इंडियंस को दबा दे, मतलब सप्रेस कर दे, सप्रेस मतलब दबाना, उसे सप्रेस कहते हैं। This was the time when Gandhi ji launched his Satyagraha movement. इसी टाइम पर जब गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करी इंडिया में। सत्याग्रह का मतलब होता है नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। अगर आपको किसी से झगड़ा करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, किसी कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसको मारोगे पीटोगे नहीं, नॉन वायलेंट मतलब शांत रहकर उससे झगड़ा करोगे। अगर आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हो रहा है, मतलब कोई भी गलत काम हो रहा है, 1919 में ब्रिटिश पास न्यू लॉज कॉल रोलैक एक्ट। अब हुआ क्या, 1919 में ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया एक्ट पास किया जो था रोलैक एक्ट। इस लॉ के अंदर दे कुड अरेस्ट एनीवन विदाउट अ ट्रायल, ट्रायल का मतलब अपनी बात बोले बिना ये उसको अरेस्ट भी कर लेंगे और जो सज़ा देना है दे देंगे, वो दे भी, कोई ट्रायल नहीं है, वो बेचारे बंदे को जिसको अरेस्ट किया है उसे बोलने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये रोलैक एक्ट उनका था, क्यों किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं,
गांधी जी आज द पीपल टू अपोज द लॉ. गांधी जी ने कहा कि इनकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, इनका लॉ मानने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपोज करो, मतलब इसमें सहमति मत दो, इसको मना करो. डेमॉन्स्ट्रेशंस मतलब रोडों पे ऐसे लोग इकट्ठे होते थे और यही बात गांधी जी सबको बताते थे और ये बात सुनकर लोग वापस अपने 100 लोगों को इकट्ठा करते थे और यही बात पहुँचाते थे. ऐसे जगह जगह पर लोग इकट्ठे होने लगे, डेमॉन्स्ट्रेशन होने लगा, वो जो अपनी बात कहना चाहते थे उन्होंने कहा और मीटिंग्स हेल्ड हुई पूरे कंट्री के अंदर. गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट हैड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. इस मूवमेंट में मिलियंस फॉलोअर्स थे. ऑन 13 अप्रैल 1919 अ पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर. अब एक पब्लिक मीटिंग गांधी जी ने क्या करा था, ऑन 13 अप्रैल 1919 में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी. एक बाग मतलब एक गार्डन है अमृतसर में, उस गार्डन का नाम है जलियांवाला बाग. इट वॉज अटेंडेड बाय अबाउट, उसमें 10,000 लोग आए थे, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन. 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे उस मीटिंग के लिए. ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर, तो जनरल डायर उस टाइम पर वहाँ पे हेड थे, तो उन्होंने वो ब्रिटिश सोल्जर्स, द ब्रिटिश सोल्जर्स ब्लॉक द ओनली एग्जिट फ्रॉम द पार्क. उस पार्क में निकलने का एक ही रास्ता, उस रास्ते में ब्रिटिशर्स खड़े हो गए, उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया और 10 मिनट तक गंदी तरीके से गोलीबारी करी, फायरिंग करी. क्या करी? फायरिंग करी ऑन द इनटू द अनआर्म्ड क्राउड. अनआर्म्ड क्राउड मतलब उस टाइम पे वो बेचारे जो लोग थे उनके पास कोई आर्म्स ही नहीं थी, कैसे लड़ते, उनका कुछ था ही नहीं, वो तो एक मीटिंग के लिए आए थे. और जनरल डायर ने उनको गोलियों से उड़ा दिया, 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग करी. उन बेचारों के पास तो कुछ था ही नहीं, उन बेचारों के पास तो कुछ, वो तो सीधे लोग थे, सुनने आए थे, वो तो गांधी जी की नॉन कौन सा वो कहते थे ना, क्या कहते हैं गांधी जी, नॉन वायलेंट मेथड के मारना नहीं है पर इनकी बात को एक्सेप्ट नहीं, मार पीट के हमारा मसला सॉल्व नहीं होगा, प्यार से होगा. वो बेचारे तो सीधे लोग थे, बच्चों तक को उन्होंने फायर कर दिया. तो पूरा का पूरी कंट्री शॉक हो गई जब उन्होंने इतना रक्त बहा दिया, इतना खून बहा दिया हमारे इंडियंस का, और वहाँ पर पूरे के पूरे 10,000 लोगों को मार डाला. एंड ऑल्सो सम ब्रिटिश इंसिडेंट शॉक द एंटायर कंट्री. और कुछ ब्रिटिशर्स भी होते हैं ना, अच्छे दिल के लोग तो हर कंट्री में होते हैं, तो कुछ ब्रिटिशर्स का भी ये देख कर दिल धड़क गया क्योंकि उन्होंने बेमतलब के 10,000 लोगों का कत्ल कर दिया. तो कुछ ब्रिटिशर्स का भी दिल धड़क गया इन गंदी हरकत से जो जनरल डायर ने करी. डायर वॉज फोर्स टू रिज़ाइन, और डायर को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया, उस पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा, मतलब उस पोस्ट से निकाल दिया गया इन मार्च 1920. इन जुलाई 1920 मार्च में उसे निकाला, और जुलाई में द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ब्रिटेन पार्डन्ड डायर, माफ़ कर दिया. किसने कर दिया? द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ पे कोई पार्लियामेंट होगा या जो भी होगा, उसने उसको पार्डन कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये मूवमेंट क्या, ध्यान ही नहीं है तुम्हारा. द शूटिंग्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एटीट्यूड, ये जो उन्होंने इतना मारा हमारे लोगों को, और जो गवर्नमेंट का ये इतना गंदा रवैया था, एटीट्यूड था, कन्विंस गांधी जी एंड द पीपल ऑफ इंडिया दैट इंडिया मस्ट बिकम इंडिपेंडेंट. इन्होंने कन्विंस कर दिया, क्या कर दिया, गांधी जी को भी और पीपल ऑफ इंडिया को, कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं. क्या हो जाएं? इंडिपेंडेंस. गांधी जी नाउ लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. गांधी जी ने अब क्या लॉन्च करी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. क्योंकि अभी इंडिया को लगा कि अब हम इनके चंगुल में नहीं फंसने वाले, अब हम इंडिपेंडेंट होंगे, हमारा देश हम ही चलाएंगे, इन ब्रिटिशर्स को हम यहाँ से निकालेंगे. क्या निकालेंगे? ब्रिटिश. क्योंकि ब्रिटिश का रवैया भी बहुत खराब था. क्या था? गांधी जी नाउ लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. रवैया मतलब मानो अगर मैं बाहर खड़ी हूँ और ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो पुलिस जा रही है, अब हमें इंडियन पुलिस तो ना तंग करती है, अगर हम कुछ गलत नहीं करें तो पुलिस तो चली जाती है, वो लोग बेमतलब से हमारे पे टैक्स लगाते हैं फालतू, हमको मारते हैं, पीटते हैं, हमारी ज़मीन छीन लेते हैं, बेमतलब से हमें जेल के अंदर बंद कर देते हैं, अगर हम कुछ बोलना चाहें तो हमें मार देते हैं, ये रवैया होता है. आज आप मुझसे तमीज़ से बात कर रहे हो, कल मैम चिल्ला रही थी ना एक बच्चे पे कि उसका रवैया ख़राब था, बदतमीज़ी कर रहा था मैम से, बैक आंसरिंग कर रहा था ना, बार बार उल्टा सीधा जो मैम बोल रही थी उसके अलावा बदतमीज़ी कर रहा था, मुंह चला रहा था, गालियां दे रहा था, धीरे धीरे दे रहा था. तो मैम क्या कह रही थी कि ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, ये गंदा रवैया नहीं चलेगा. तो वो क्या कर रहा था, जब मैम ने उसको डांटा तो वो धीरे धीरे मैम को बैड वर्ड्स बोल रहा था, और कंटिन्यूस मैम के बोलने के बाद भी वो क्या कर रहा था, बोले जा रहा था. और जो मैम बोल रही थी उसका उल्टा ही कर रहा था. तो मैम ने क्या बोला कि ये रवैया नहीं चलेगा, ये एटीट्यूड जो गलत एटीट्यूड है तुम्हारा ये नहीं चलेगा.
तो उस तरीके से ब्रिटिशर्स का भी एक बहुत अलग तरीके से एटीट्यूड था जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं था। आपको पता चल जाता है ना, अगर आप घर पे जाओ आपकी दादी आपको प्यार करती है वो अच्छा एटीट्यूड है, अगर उसकी जगह पे आपकी कोई और कज़न दादी होती वो आपको मारती, मम्मी नहीं होती पीटती, झूठा खाना देती, तो आपको बताया ना कि मम्मा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये दादी का रवैया अच्छा नहीं है, दादी का एटीट्यूड अच्छा नहीं है। आपको फील होता ना, फील होता है कि नहीं होता? अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको फील होता है कि नहीं होता? तो वैसे इंडियंस को भी फील हुआ कि इन्होंने से शूटिंग कर दी, 10,000 लोगों को मार दिया, खून खून हुआ होगा, वो सोचो कितना शॉकिंग मोमेंट होगा, कितनी चीखें निकली होंगी, कितने बच्चे रोए होंगे, कितने बड़े रोए होंगे, कितने लोग मरे होंगे, लोग तो डर के मारे वेल के अंदर कूद कूद के मर गए क्योंकि उनको वो गोली से डर लग रहा था, इतना डर इतना हाबड़ थाबड़ मर गए, कुचल गए लोग भाग भाग के, शर्म नहीं आई ना इनको? राज तो कर ही रहे थे ना हमारे ऊपर, मारने की क्या ज़रूरत थी? कि ये बताना चाहते थे वो लोग कि हम बड़े हैं तो हमारे गुलाम। लेकिन फिर इंडियंस को बहुत गुस्सा आ गया, इंडियंस को बहुत गुस्सा, और उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। क्या करा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च लॉन्च किया। सत्याग्रह मूवमेंट तो गांधी जी ने तब लॉन्च किया था, सत्याग्रह मूवमेंट जब उन्होंने क्या करा था, क्या टैक्स लगाए थे, क्या लगाए थे? न्यू लॉज लगाए थे और टैक्स लगाए थे, रोला टैक्स लगाया था ना उन्होंने, क्या लगाया था? रोला टैक्स। क्या रोला टैक्स? जिसके रोला का क्या था, जिसमें किसी को भी ट्रायल के बिना पकड़ के ले जा सकते, ले जा सकते थे और मार भी सकते थे। तो गांधी जी नॉ लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ही हैज द पीपल ऑफ इंडिया टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश इंडियंस, टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, नॉट टू कोऑपरेट। उसने बोला तुम्हें ब्रिटिश ऐसी कोई बात मानने की जरूरत, स्टडी नॉट टू कोऑपरेट विद द पीपल ऑफ द ब्रिटिश, इंडियंस वर्किंग फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजाइन। जो भी इंडियंस ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, अब ब्रिटिशर्स वहाँ से तो ब्रिटिश लोग उठा के नहीं लाएंगे ना, यहीं से नौकरियों पे जो जो यहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स होंगे वो भी तो इंडियंस ही होंगे, तो सारे इंडियंस ने उनसे काम करने के लिए मना कर दिया, कोई भी, सबने उनकी नौकरी छोड़ दी, सबने उनकी रिजाइन कर दिया, रिजाइन मतलब नौकरी छोड़ दिया। लॉयर्स बायकॉट द कोर्ट्स, लॉयर्स ने बायकॉट कर दिया, बायकॉट मतलब कोर्ट में जाने से मना कर दिया, उनके खिलाफ लड़ने से मना कर दिया कि हम अपने इंडियंस के खिलाफ अब से नहीं लड़ेंगे, उन्होंने भी कोर्ट जाना बंद कर दिया। एंड इंडियन चिल्ड्रन वर विड्रॉन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स थे उसमें इंडियन बच्चे अब पढ़ने नहीं जाते थे, स्कूल खाली रहने लगे, ब्रिटिश के स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाता था, ब्रिटिशर्स के स्कूल में कोई पढ़ने, तो उन्होंने तीन चीज़ें करी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, कैसे कोऑपरेट नहीं करा, एक तो जो भी सोल्जर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और जो उनके काम लॉयर्स थे, लॉयर क्या करते हैं, केस लड़ते हैं, माना तेरे में लड़ाई हो गई तो केस लड़ते हैं, उन्होंने जो बायकॉट कर दिया, क्या बायकॉट कर दिया, कोर्ट में जाना, स्कूल्स थे जो ब्रिटिश स्कूल में बच्चे आते थे उन्होंने सब ब्रिटिश स्कूल्स में जाना बंद कर दिया, ब्रिटिश के स्कूल में नहीं जाते थे, क्या नहीं जाते थे, ब्रिटिश के जो स्कूल, पूरी कंट्री में मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन सैट ऑन द स्ट्रीट्स, सब लोग रस्ते पे बैठ गए और पूरे रस्ते ब्लॉक कर दिए, क्या कर दिए, पूरे रस्ते ब्लॉक कर दिए, और उनको आती थी पुलिस लाठियों से मारती थी देखो, लेकिन वो राइज नहीं होते थे, वो खड़े नहीं होते थे, उन्होंने सीट ब्लॉक कर दी, वो उस रास्तों से हटते ही नहीं थे। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इस ये सबका लीडर कौन था, गांधी जी, बट द ब्रिटिश वर सून फोर्स टू रिलीज हिम। अब जितने सारे लोग अगर आ जाएंगे तो ब्रिटिश क्या करेगी, डरी जाएगी ना, लाखों इंडिया के लोग हैं ना, व्हाई इज दिस लाफिंग गोइंग ऑन, इंडिया के इतने सारे लोग थे तो डर के उन्होंने गांधी जी को रिलीज कर दिया। लेकिन इन 1922 द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन चौरा चौरी चौरी चौरा इन यूपी, ये जगह कहाँ पे थी, यूपी में, यूपी में बिकेम वायलेंट, क्या हो गया, बिकेम वायलेंट, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े हो गए, क्या हो गए, लड़ाई 1922 में जो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यूपी में वहाँ बैठे हुए थे, क्या हुए थे, वहाँ पर कोई लड़ाई हो गई, दिस उन्होंने क्या करा, पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जबकि गांधी जी तो उन्हें मना करते थे, और गुस्से में उन्होंने 20 पुलिसमैन को किल कर दिया, क्या कर दिया, 20 पुलिसमैन को किल। उस दिन गांधी जी का मन टूट गया और उसने बोला ये तो फेलियर है हमारे मूवमेंट का, क्या है हमारे मूवमेंट का फेलियर, हम लड़ना तो चाहते थे बस पीसफुली लड़ना चाहते थे, क्या लड़ना चाहते थे, पीसफुली, ये तो गलत काम हो गया, ये तो हमारा फेलियर हो गया, एंड कॉल इट ऑफ, उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दी, कॉल इट ऑफ का मतलब नॉन कोऑपरेशन बंद कर दी, हम नहीं करेंगे, ही फॉर्मली बिलीव, उनका बहुत ज्यादा ये मानना था दैट द मूवमेंट कुड नॉट ओनली सक्सीड If it was, the movement will only succeed, वो ये मानते थे कि अगर हम नॉन वायलेंट तरीक़ों से काम करेंगे तो ये मूवमेंट सक्सीड हो जाएगी, हम जीत जाएंगे, हम ब्रिटिशर्स को मना लेंगे, लेकिन अगर हम लोग ने मारपीट करी तो हम
नहीं जीत पाएंगे. ही वाज अरेस्टेड, लेकिन उनको ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया और उनको वापस प्रिजन में कर लिया. ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मेनी यंग लीडर्स ज्वाइन. इस टाइम पे और भी लीडर्स थे, वो तो जेल में चले गए, तो और लीडर्स जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मौलाना अब्दुल खान आज़ाद, इन्होंने ये मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया. उधम सिंह रिवॉल्यूशनरी, ये भी लड़ता था इंडिया के, रिवॉल्यूशनरी वो होता है जो अपने देश के लिए लड़ता है. इसने सर माइकल डायर को मार डाला, शॉट कर दिया. क्या कर दिया? शॉट कर दिया. बिलीविंग हिम टू द मेन पर्सन बिहाइंड द जलियांवाला बाग मसाकर. एक्सक्यूज मी, उसको क्या लगा कि डायर ने ही इसने जलियांवाला बाग पे अटैक करवाया था, उसको मार दिया. ऑन 13 मार्च 1940 इन लंडन, जनरल डायर हु आर एक्चुअली कैरीड आउट द मसाकर डाइड अर्लियर. लेकिन जिसने असली में करा था, जो जनरल डायर था, क्या था? जनरल डायर था, वो तो मर चुका था 1927 में. क्या था? 1927 में माइकल ओ डायर को मारा था, पर वो असली में तो वो मर चुका था. क्या कहा था? असली में वो मर चुका. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी ने एक बड़ी वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करी. तो मैं तीन मूवमेंट्स सीखी. पहली कौन सी थी? पहली नॉन कोऑपरेशन, तो दूसरी थी कौन सी थी? पहले सत्याग्रह, फिर नॉन कोऑपरेशन और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस 1930 गांधी जी ने लॉन्च करी एक मैसिव, बहुत बड़ी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ही कॉल्ड ऑन इंडियंस, उन्होंने इंडियंस को बुलाया और बोला कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, कोई टैक्स पे करने की. उन्होंने जो नमक पे टैक्स लगाया ना, वो तो बिल्कुल भी पे करने की जरूरत नहीं है. द सॉल्ट लॉ पास करा बाय द ब्रिटिश फॉरबेड इंडियंस फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट. एक लॉ पास करा उसे सॉल्ट लॉ कहते हैं. उसमें ब्रिटिशर्स ने ये लॉ पास करा कि इंडियंस आज से नमक नहीं बनाएंगे. नमक नहीं बनाएंगे, ये नमक बहुत, नमक तो बहुत आसानी से बनता है. सी वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है एक जगह पर, रोक दिया जाता है चारों तरफ से, सारा पानी धूप से उड़ जाता है और नमक फ्री होता है. तो नमक को पैसे देने की जरूरत क्या, नमक तो हम फ्री में खाते हैं. पर इन्होंने क्या किया, एक लॉ पास किया सॉल्ट लॉ, जिसमें इन्होंने लगा कोई भी इंडियन अगर सॉल्ट बनाएगा तो उसको हम कब्जे में कर लेंगे अपने. तो उन्होंने फॉरबेड कर दिया, फॉरबेड मतलब इंडियंस को मना कर दिया कि वो सॉल्ट नहीं बना सकते. तो गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें वो कोई भी टैक्सेस भरेंगे नहीं और सॉल्ट के ऊपर तो टैक्स बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत लॉ है. इट इज़ एन अनजस्ट लॉ. अनजस्ट मतलब गलत. ही ऑर्गेनाइज अ पीसफुल मार्च, उन्होंने एक बहुत पीसफुल मार्च ऑर्गेनाइज करा फ्रॉम द साबरमती आश्रम. वो साबरमती आश्रम से चलना शुरू करा इन अहमदाबाद और वो दांडी तक गए उसके सी शोर तक, सी के शोर तक गए, अहमदाबाद से चलकर दांडी तक गए. और बहुत सारे लोगों ने इस मार्च में पार्टिसिपेट किया, इसे दांडी मार्च कहा गया. क्या कहा गया? दांडी मार्च. एट दांडी जब वो शीशोर पे पहुंच गए तो उन्होंने सॉल्ट बनाई बाय ऑपरेटिंग सी वाटर, क्योंकि सॉल्ट ऐसे ही बनती है. क्या बनती है? सॉल्ट. गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया. क्यों? क्योंकि उनको फॉरबेड कर रखा था ना हमको सॉल्ट बनाने से. बट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया. लेकिन लोग रुके नहीं और वो हर सी शो पर जाकर सॉल्ट बना रहे थे. गांधी को तो इन्होंने अरेस्ट कर लिया, गांधी जी को तो इन्होंने अरेस्ट कर लिया, पर और बहुत सारे लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू करा. साइमन कमीशन एंड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज. द ब्रिटिश वांटेड टू मेक सम चेंजेस इन द वे इंडिया वाज गवर्न. अब ब्रिटिशर्स ही हमें रूल कर रहे थे, गवर्न तो वही कर रहे थे हमारे ऊपर, पर उनको अब कोई नया तरीका चाहिए था. उनको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा. 1928 ने उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाया जिसे हम कमिटी कहते हैं, और उस टाइम पर जो उनका हेड था वो था सर साइमन. क्या? सर साइमन. सो दे कॉल्ड इसलिए उसका नाम साइमन कमीशन रख दिया गया. क्या कर दिया था? साइमन कमीशन. दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. वर्किंग ऑन इट मतलब क्या? इंडिया को नए तरीके से रूल करो, कैसे करेंगे, कैसे करें. और पूरी के पूरे कमीशन में कोई इंडियन नहीं था, कोई इंडियन नहीं उस था. पूरी की पूरे कमीशन में जितने लोग थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था. दिस एंगर्ड द इंडियंस, क्योंकि उन्होंने एक तो इंडिया को रूल कर रहे हैं, उन्होंने एक नई कमीशन भी बनाई कि हम इंडिया को नई तरीके से रूल कैसे करेंगे, और उस पूरी कमीशन में इंडिया का एक भी बंदा नहीं था.
तो इंडिया बहुत गुस्से हो गई. क्या हो गई? बहुत गुस्सा. तो उन्होंने ये पूरा कमीशन ही है जो साइमन कमीशन था इन लोगों को बॉयकॉट करना, मतलब इनकी कोई बात मानने से मना कर दिया. तो उन्होंने वापस डेमोन्स्ट्रेशन करे, शाउट करे स्लोगन, और क्या बोला, साइमन गो बैक. ये जो साइमन है अपने घर जाओ, अंग्रेजों अपने घर कर जाओ, हमारे को राष्ट्र की जरूरत मत बने. तो कांग्रेस ने, अब उस टाइम कांग्रेस राज करती थी, कांग्रेस ही थी और कोई पार्टी नहीं थी, तो कांग्रेस ने ये डिसाइड करा कि हमने पूर्ण स्वराज, ये पूर्ण स्वराज मतलब हमारी कंट्री में और कोई रूल नहीं करेगा, इन सब ब्रिटिशर्स को बोलो कि घर जाइए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज. क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस. वर्ल्ड वॉर टू एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट. द ब्रिटिशर्स अरेस्टेड टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. इतने लोगों को, 10,000 इतने लोगों को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया. लेकिन फिर भी वो कोई भी इंडिया की कोई भी मूवमेंट जो है उसको रोक नहीं पाए. क्या नहीं कहा? कोई भी इंडिया की मूवमेंट. अब उनको कुछ चेंजेस लाने थे. अब वो क्या करते थे? लॉ ही चेंज करते थे. लॉ में कोई चेंजेस करते थे, हम रिफॉर्म कहते हैं. रिफॉर्म मतलब टू चेंज द लॉ. रिफॉर्म का मतलब टू चेंज द लॉ. इन 1935 दे पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. क्या पास किया उन्होंने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इलेक्शंस वर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री. पूरे कंट्री में इलेक्शंस हुए. कांग्रेस जीत गई. कांग्रेस जीत गई इन मोस्ट प्रोविंसेस एंड फॉर्म गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो फाइनली उनको कुछ चेंजेस करने पड़े. तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए. और इलेक्शन में जीतना तो कांग्रेस नहीं था क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट थी. क्या थी? हमारी गवर्नमेंट. लेकिन उन्होंने बट पावर स्टिल रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. गवर्नमेंट तो हमारी आ गई, प्राइम मिनिस्टर हमारा आ गया, पर वो पप्पेट राजा था. पप्पेट मतलब वो उसके सुनते ही नहीं थे, खाली हमको कुछ कभी हम तो मान नहीं रहे थे. हमने तो कहा साइमन गो बैक, निकलो यहाँ से. तो उनको लगा यार अब तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारी धजिया उड़ा देंगे. तो उन्होंने हमें फिर बेवकूफ़ बनाया. उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी बात मानते हैं, जो इंसान तुम इलेक्ट करोगे, जो जीतेगा वही तुम्हें राज करेगा, अब तो तुम खुश हो. फिर इंडियंस वापस खुश हो गए. अब कांग्रेस भी आ गई, जीत भी हो गई कांग्रेस की. लेकिन कांग्रेस की चलने देनी ही नहीं उन्होंने. राजा जो बोलता था उसकी बात काटते थे. चलाते तो वो अपनी थे. तो पूरी पावर तो उन्होंने अपने हाथों में रखी हुई थी. अब क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो गया. वर्ल्ड वॉर टू 1939. हमारी आज़ादी कब मिली? 1947 में. मतलब हमारी एट ईयर्स पहले. बहुत तेज, बहुत कुछ कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर टू हो गया. क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर 2. The Britishers declared war on India's behalf without talking to the Indian leaders. तो उन्होंने कहा ये इंडिया भी हमारे बिहाफ पे लड़ेगी. क्यों लड़ेगी? वॉर किसका? ब्रिटिशर्स का. तुम्हारी कंट्री में वॉर हो रहा, जाओ और लड़ो. इंडियन सोल्जर्स क्यों जाएंगे मरने के लिए? तो लेकिन उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि इंडियंस जाएंगे. इंडियंस जाएंगे. मिट्टी को भेजो इन प्रोटेस्ट. मिट्टी को भेजो 10 मिनट इन प्रोटेस्ट. द कांग्रेस मिनिस्टर्स इन द प्रोविंसेस रिजाइन. क्या अब द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडियाज बिहाफ विदाउट टॉकिंग टू द इंडियन लीडर्स. इंडियन लीडर्स को तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं और वॉर डिक्लेयर कर दिया कि हम भी लड़ेंगे. इन प्रोटेस्ट, गुस्से में जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स, उनको बहुत गुस्सा आया कि वॉर तुम्हारा है, तुम जाओ ना, तुम्हारे सोल्जर्स को ले जाओ ना कंट्री के, हमारे लोग क्यों जाएंगे. तो हमारे कांग्रेस मिनिस्टर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जो भी उनको वो प्रोविंस में जगह मिली थी, वो तो हेड थे ना तो कमेटी में, तो उन्होंने सबने रिजाइन कर दिया कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, चलो हटो यहाँ से, रिजाइन कर देंगे हम. द कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वुड नॉट जॉइन द वॉर अंटिल द ब्रिटिश ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और कांग्रेस ने क्या बोला कि इंडिया जब तक वॉर, तुम्हारे वॉर में तुम्हारी मदद नहीं करेगी, पहले हमको पूर्ण स्वराज दो, हम पे राज करना. हम तो चलेंगे तुम्हारे साथ, हम चलेंगे चल लेंगे, हमको जाने, हम पर तुम यहाँ से भागो, उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखा, नहीं तो हम तुम्हारे वॉर में नहीं जाएंगे. सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया. हमारे इंडियन सोल्जर्स को बोल दिया कोई नहीं जाएगा. 5 दिन हो गया आ रहे मकान जब ठीक है कंपनी ने. दे हेल्ड टॉक्स विद द ब्रिटिश और उन्होंने ब्रिटिशर से बात करना शुरू कर दिया. हेल्ड टॉक्स मतलब कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से, भागो पहले, तुम जब जाओगे तो मांगे. बट द टॉक्स फेल्ड. लेकिन ब्रिटिश तो हमारी मानने वाले कहाँ थे? मानते थे क्या? एंड द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी
लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट इन ऑगस्ट, उनको इतना गुस्सा आया उनके ऊपर क्योंकि ये वॉर को एक दो साल नहीं सालों साल तक चलते थे वर्ल्ड वॉर्स, तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में फिर लॉन्च कर दी। क्या कर दी? लॉन्च कर दी के क्विट इंडिया मतलब भागो निकलो वापस। बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वो हमारी बात ही नहीं मान रहे थे और हमारे सोल्जर्स गए थे लड़ने, बेचारे मरे भी हैं, खून खून भी हुए हैं उनकी लड़ाई में मरे, क्योंकि वो तो सुनते नहीं थे, वो तो सुनते नहीं ले गए, जो नहीं ले जाते थे उसको शॉर्ट करके वैसे ही मार देते थे, तो बेचारे डर के मारे वो गए और में तो सभी मरते, कौन बचते, तो वो मरे बेचारे। और गांधी जी और अदर लीडर्स जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी तो इनको इन्होंने वापस अरेस्ट कर दिया और फिर लोगों ने वायलेंट प्रोटेस्ट किया। इस बार तो वो प्यार से बांधने वाले नहीं थे, थे नहीं, उनकी गाड़ियां जलाते थे, उनको जलाते थे, वायलेंट खूब गंदी तरीके से लड़ाइयां इंडिया और ब्रिटिशर्स में 1942 में शुरू हो गई। हमारी आज़ादी के अभी भी 5 साल बचे हैं, उन बेचारों की उस टाइम पर जो हमारे लोगों ने, जो हमारे फोर फादर्स पैदा हुए उनकी लाइफ बहुत ख़राब थी, जो बच्चे उस टाइम पे पैदा हुए खूब मरे, कटे हैं, माँ बाप को कटते हुए देखा, उनकी कोई लाइफ नहीं थी, तो वहाँ से स्कूल पी जाकर रैश नहीं कर रहे थे, वो बहुत गंदी लाइफ थी उनकी, बाहर निकलने से डरते थे, कटते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर वो जीते थे, इतने साल उन्होंने उन पर राज किया, तो पढ़ाई की बहुत वैल्यू है भाई। तुम नहीं, तुम्हारे घर में भी तुम पर कोई राज करेगा तुम नहीं करोगे, तुम्हारी अपनी संपत्ति पर कोई राज करेगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस हैड बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस, दो बार उस टाइम कांग्रेस चलती थी बुक ले, उसका प्रेसिडेंट कौन था? सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज लविंगली कॉल्ड नेताजी, लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उन्हें नेताजी बुलाते थे। क्या बुलाते थे? नेताजी। ही वॉज कन्विंस दैट द ब्रिटिश वुड नेवर लीव इंडिया, उनको ये बहुत अच्छा था, उनको ये पता था कि ये प्यार से मानने वाले नहीं है, ये इतने गंदे लोग हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू लीव इंडिया पीसफुली, दे आर नॉट गोइंग टू लीव इंडिया पीसफुली। ही वेंट टू जापान फ्रॉम वेयर ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी ऑफ 40,000 इंडियन सोल्जर्स। अब हाँ, इंडिया की हर कंट्री में इंडियंस तो रहते ही है ना, वो जापान गए और उन्हें चुप करके 40,000 इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर इकट्ठे कर लिए और उसकी फौज का नाम था आज़ाद हिंद फौज। वो सारे सोल्जर्स क्यों लड़ने वाले थे? इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए और द इंडियन नेशनल आर्मी। द इंडियन नेशनल आर्मी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि इंडिया में तो वो कुछ करने नहीं देते, लोगों को पकड़ लेते थे, मार देते थे, गांधी जी को बार बार जेल में डाल देते थे लीडर्स को, तो वो क्या करते थे, वो चुप करके जापान चले गए और जापान में उन्होंने एक बहुत तगड़ी 40,000 लोगों की आर्मी, क्योंकि बाहर की कंट्री में अगर आप कोई मारपीट नहीं करे तो कोई आपको कुछ कह थोड़ा ना रहे, तो उन्होंने इंडियन को वहाँ पर समझाया बुझाया और 40,000 लोगों की आर्मी अब क्या कर सकते थे। द इंडियन नेशनल आर्मी लड़ी यहाँ आकर और इतनी ताकतवर आर्मी को उन्होंने ट्रेनिंग दी। क्या दी? ट्रेनिंग दी अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स पर उनकी खूब लड़ाई हुई। इनिशियली उन्होंने ब्रिटिशर्स को मार भगाया। क्या मार भगाया? लेकिन ब्रिटिशर्स ने इतनी तगड़ी आर्मी खुद बना रखी थी कि इंडियन आर्मी बेचारी फिर हार गई। क्या हो गई? मारा तो उन्होंने खूब, पर आखिर में जीत उनकी हुई। क्या हुई आखिर में जीत? बाय द टाइम वर्ल्ड वॉर टू एंडेड इन 1945, दो साल पहले आज़ादी के, वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुका था। अब ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि अब इंडियंस को अपने कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल होगा, वो बहुत वायलेंट होते जा रहे, क्योंकि अब हमारी पूरी इंडियन आर्मी उन्होंने फिर मार दी, तो अब कौन उन पर भरोसा करेगा? अगर मैं तेरे घर में आके तुमको ही मार रही हूँ तो अब तो तुझे अक्ल आ गई ना कि झूठे लोग हैं। अब तो इंडियन आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं थी, उनको देख कर उनको गुस्सा पनपता था, ब्रिटिशर्स को लगा अब तो यहाँ पर जाने में ही भलाई है, अब क्योंकि अब उन्होंने हमारी 40,000 की आर्मी को तो मारा ही होगा, उसके अलावा कितने लोगों को मारा होगा। द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी हैड शेकन देम। क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन आर्मी से वो बहुत हिल गए थे, अब उन्होंने मान लिया कि हम खुद ही यहाँ से मूव आउट हो जाते हैं क्या, और उन्होंने डिस्कशन करा कांग्रेस और मुस्लिम लीग से, क्योंकि मुस्लिम लीग उस टाइम अलग थी, मुस्लिम इंडियन की सुनते नहीं थे, हमारे बीच में भी बहुत झगड़े थे, तभी तो पाकिस्तान बना, तभी तो पाकिस्तान में बहुत झगड़े इंटरनल थे, उसका वो फ़ायदा उठाते आए थे। द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स ने हमेशा इंडियंस और मुस्लिम को डिवाइड करके रखा था। क्या रखा था? हमेशा इंडियंस और मुस्लिम्स को वहीं से डिवाइड एंड, क्योंकि उनको पता था कि अगर सब इकट्ठे हो जाएंगे तो रूल करना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने आधे लोगों को अलग, दोनों को भड़काया था कि वो एक दूसरे की तरफ लड़ते, बेवकूफ़ बनाया, और इंडियंस हमारे बेवकूफ़ थे, वो हिंदी मुसलमान कास्ट के पीछे लड़ते रहते थे और मजे ब्रिटिशर्स करते रहते थे। इंडियन मुसलमान में कुछ नहीं है, सब एक बराबर है, सब इंसान है, सब अच्छे। द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश हैड बीन सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग द हिंदूज एंड द
मुस्लिम द मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, उस टाइम पे लीडर कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, डिमांडेड अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम्स तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तो अलग नेशन बनाएंगे। अब ब्रिटिशर्स से तुम आज़ाद हो गए, लेकिन इंडिया में भी अब पूरा इंडिया इकट्ठा नहीं रहेगा, मुसलमान अलग रहेंगे, हिंदुस्तानी अलग रहेंगे, इंडियंस अलग रहेंगे, हिंदूज अलग रहेंगे, मुसलमान अलग और हिंदूज अलग। गांधी जी वॉज अगेंस्ट, गांधी जी ने कहा भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये डिवाइड एंड रूल प्ले कर रहे हैं भाई, ये सब बकवास है, सब मिलकर रहो, अभी हम अभी तो अलग हुए हैं इनसे, फिर हम पे कोई कब्जा कर लेगा, अब सब मिलकर प्यार से रहो, क्या दिक्कत है, ये तो गलत सीख दे रहे थे तुमको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो माने नहीं, और 15 अगस्त को फाइनली ये लोग हमें छोड़ के चले गए, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन हमारे दो देश बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। गांधी जी का दिल टूट गया, उसका जो दिल था कि हम सब यूनाइट होकर रहे, वो पूरा शैटर हो गया, पूरा टूट गया, और इंडिया दो देशों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आज भी ये लीडर्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ऐसे ही अलग करके डिवाइड एंड रूल करके लड़ाते रहते हैं, और हमारा पीस और उनका पीस ख़त्म करते रहते हैं। यहाँ के लोगों को क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा दिन डिवाइड एंड रूल का गेम प्ले करते हैं, अपनी पोजीशन के लिए, अपने पावर के पावर के क्लियर।